हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल बिगनर फैंटेसी क्रिकेट। इस वीडियो में बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में है फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा। बात करेंगे इस वीडियो में दोनों टीम के प्लेइंग 11 ड्रीम 11 की टीम के बारे में। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आया हूँ यूट्यूब पर टीम देने के लिए, तो उम्मीद करते हैं आगे आने वाले टाइम में रेगुलर आ पाऊँगा। चलिए फिलहाल इस मैच के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इंडिया के स्क्वाड की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें डायरेक्टली, तो ओपनिंग करेंगे इस मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन। तीन नंबर के पॉइंट की बात करूँगा, इस तीन नंबर पे अंबाती रायडू और केएल राहुल। देखिए विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, क्योंकि केएल राहुल जो है वर्ल्ड कप के कॉम्बिनेशन में एक थर्ड ओपनर का ऑप्शन है और दोनों ही T20 में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो केएल राहुल को इस सीरीज़ में ज़रूर विराट कोहली ट्राई करेंगे, उन्होंने क्लियर कह दिया है। दूसरी बात विराट कोहली ने जो कही है वो कहा है कि कोच रवि शास्त्री के ऊपर डिपेंड करता है कि रवि शास्त्री अगर कहते हैं तो विराट कोहली नंबर चार पर बैटिंग करने के लिए भी तैयार हैं, तो उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि केएल राहुल का तो वो खिलाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब केएल राहुल को खिलाना चाहते हैं तो ओपनिंग में देखिए रोहित शर्मा शिखर धवन को खिलाना जरूरी है, क्योंकि अभी सीरीज़ जीतना पहला उद्देश्य होगा, तो उसको देखते हुए रोहित शर्मा शिखर धवन दोनों खेलेंगे। तीन नंबर पर केएल राहुल और चार पे आएंगे विराट कोहली। इसके हिसाब से अंबाती रायडू को फिलहाल बाहर बैठना पड़ेगा, हालांकि अंबाती रायडू विराट वर्ल्ड कप के लिए ज़रूर जाएंगे चार नंबर पे, लेकिन इस सीरीज़ में केएल राहुल को चांस देने के लिए अंबाती रायडू को ही बाहर बैठना पड़ेगा। उसके बाद गाइज MS धोनी विकेट कीपर है हमारे इंडिया से, उसके बाद केदार जाधव आएंगे, विजय शंकर खेलेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं इंजर्ड है, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल, ये चारों के चारों खेलने वाले हैं इस मैच में। अब बात कर लेते हैं गाइज ऑस्ट्रेलिया टीम की। देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम में एक चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने क्लियर कर दी है कि एलेक्स कैरी इस मैच में विकेट कीपिंग करेंगे। प्लेइंग 11 में तो होंगे ही लेकिन विकेट कीपिंग करेंगे। दूसरी चीज़, पीटर हैंडकॉम इस मैच में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। चलिए अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। कप्तान एरॉन फिंच दो नंबर पर, इनके साथ सेकेंड ओपनर होंगे उस्मान ख्वाजा, तीन पे आएंगे पीटर हैंडकॉम या फिर एस्टन टर्नर। एस्टन टर्नर पर स्कॉचर्स के लिए आई थिंक खेलते हैं बिग बैश लीग में, और काफ़ी अच्छा इनका सीज़न रहा है, और इनको राजस्थान रॉयल्स ने इस साल अपनी टीम में रखा भी IPL के लिए, और रिसेंटली इन्होंने अपना डेब्यू किया है, तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के लिए एस्टन टर्नर, क्योंकि ये ऊपरी क्रम पे भी खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर पे भी खेल सकते हैं, तो हालांकि इनका जो ओपनर नहीं है लेकिन मिडिल ऑर्डर 3, 4, 5, 6 कहीं पे भी खेल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 नंबर या फिर 5 नंबर एस्टन टर्नर का होगा। बाकी पीटर हैंडकॉम, मार्कस स्टोइनिस पहले 6, 7 नंबर पर खेलते थे, लेकिन बिग बैश लीग अगर आपने देखी हो तो गाइज मार्कस स्टोइनिस ओपनिंग करने आए थे और बहुत अच्छी ओपनिंग की थी बेन डंग के साथ मेलबर्न स्टार्स के लिए खेलते हुए, तो उसी का नतीजा है कि T20 सीरीज़ में भी इनको ओपनिंग करने का चांस मिलता है। अब यहाँ पर क्योंकि उस्मान ख्वाजा सेकेंड रेगुलर ओपनर है तो मार्कस स्टोइनिस थोड़ा सा नीचे खेलते आपको दिखेंगे। उसके बाद टर्नर, ग्लेन मैक्सवेल तो हैं ही, बाकी एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग करेंगे। उसके बाद एडम जाम्पा, पैट कमिंस खेलेंगे और झाई रिचर्डसन, ये होंगे इनके कंफर्म बॉलर। बाकी जो 11वां ऑप्शन है नेथन कोल्टर नाइल या फिर जेसन बेंड्रोम में से कोई एक खेलेगा, मैक्सिमम 99% चांसेस वैसे नेथन कोल्टर नाइल के ही, हालांकि बेंड्रोम भी एक अच्छे गेंदबाज है लेफ्ट हैंडेड मीडियम पेस। हालांकि दोनों तीनों के तीनों रिचर्डसन, कोल्टर नाइल और बेंड्रोम तीनों के तीनों बिग बैश में एक ही टीम से खेलते हैं। चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। मैं केवल एक टीम बना रहा हूँ, इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली आप एक से ज़्यादा टीमें भी बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे कीपिंग के डिपार्टमेंट से, तो सबसे पहले आपको टीम कीपिंग से दिखाता हूँ। कीपिंग के डिपार्टमेंट से बात करें तो तीन ऑप्शन दिए हुए MS धोनी, पीटर हैंडकॉम और एलेक्स कैरी। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ MS धोनी के साथ, बाकी आप पीटर हैंडकॉम और कैरी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन देखिए कैरी तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नंबर 7 पे बैटिंग करने आएंगे बहुत नीचे हो जाता है। पीटर हैंडकॉम अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हालांकि आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट पीटर हैंडकॉम नहीं दिला पाएंगे क्योंकि कीपिंग जो है एलेक्स कैरी ही करेंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करूँगा, इस विराट कोहली को रखा हुआ, शिखर धवन को रखा हुआ, एरन फिंच को रखा हुआ है। बाकी यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन जिस पे मैं इस मैच में चांस लेना चाहता था वो थे एस्टन टर्नर, बट मैं इन पे चांस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास इनके लिए मेरी टीम में जगह नहीं बन रही है, उसके लिए मुझे एक बॉलर को वरना ड्रॉप करना पड़ रहा है। अब दूसरा एक जो इंडिया से मेरे पास पीक ऑप्शन था, जो अच्छे ऑप्शन रहते हैं जो मुझे चाहिए, मतलब मैं थोड़ा हल्का फुल्का रिस्क ज़रूर लेता हूँ, तो लोकेश राहुल को भी मैं लेना चाहता था लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी बात करें शॉन मार्श नहीं खेलेंगे। उसके बाद ऑलराउंडर की डिपार्टमेंट की बात करूँ, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और विजय शंकर तीन ऑलराउंडर रखें। डार्सी शॉट अवेलेबल नहीं है, ये वापस चले गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा के चांसेस ना के बराबर हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता दूं। देखिए इंडियन टीम दो स्पिनर के साथ खेल रही है पहली चीज़, दूसरा केदार जाधव खेलेंगे तीसरे स्पिनर, तो चौथा जडेजा को नहीं खिला सकते क्योंकि इसके साथ ही इंडिया के पास केवल दो ही मीडियम पेसर रह जाएंगे। अगर विजय शंकर को बाहर करते हैं, जडेजा को खिलाते हैं, तो इंडिया के पास बुमराह और शमी केवल दो ही पेसर रह जाएंगे, इसलिए रविंद्र जडेजा का चांस ना के बराबर है इस मैच में खेलने का। बॉलिंग यूनिट की बात करें तो गाइस जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और पैट कमिंस को रखा हुआ, बाकी चौथे मेरे गेंदबाज जो है वो है एडम जाम्पा। हालांकि यहाँ पे एडम जाम्पा से अच्छा ऑप्शन है नेथन कोल्टर नाइल, लेकिन मैं क्रेडिट की दिक्कत के कारण कोल्टर नाइल को नहीं ले पा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 100% कोल्टर नाइल को ही लेता। गाइस अब बात कर लेते हैं टीम प्रीव्यू की।
तो ये रहा मेरी टीम का प्रीव्यू। यहाँ पे कैप्टन मैंने बनाया रोहन फिंच को और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूँ विराट कोहली को। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से एक बैट्समैन शायद शॉर्ट है। देखिए फिंच है, स्टॉइनिस है, मैक्सवेल, तीन मेरे पास रेगुलर बैट्समैन हैं और बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन एक बैट्समैन मुझे भी लग रहा है कि होना और चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे मिनिमम दो बॉलर तो ऑस्ट्रेलिया के रखने हैं। हालांकि मार्कस स्टॉइनिस, ग्लेन मैक्सवेल दोनों भी बॉलिंग कराएंगे, पर मुझे एक बल्लेबाज यहाँ पे कम लग रहा है। तो मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ इंडिया से ना करते हुए ऑस्ट्रेलिया से क्यों किया है। मैं हालांकि इंडिया से भी एक बैट्समैन कम कर सकता था और ऑस्ट्रेलिया से चार खिला सकता था, लेकिन देखिए ऑस्ट्रेलिया से मैंने कम किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप विकेट कीपर देखेंगे, दोनों के दोनों पीटर हैंडकॉम और एलेक्स फेरी विकेट कीपर हैं। मतलब कि टॉप सात में से पाँच ही प्लेयर बच रहे हैं, क्योंकि विकेट कीपर तो मैंने दोनों के दोनों नहीं लिए। तो मतलब अगर अब जो रन बनाएंगे वो टॉप सात में से केवल पाँच ही ऑप्शन बच रहे हैं। मतलब कि केवल अब एस्टन टर्नर और उस्मान ख्वाजा बैटिंग ऑर्डर से यही दो ऑप्शन है। अगर ये दो फ्लॉप हो जाएंगे, एस्टन टर्नर और उस्मान ख्वाजा, तो फिर मेरी ये बैटिंग ऑस्ट्रेलिया से सक्सेसफुल हो जाएगी। तो गाइज़ ये टीम है, उम्मीद करते हैं आप इसकी टीम के साथ कुछ वन कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।